Yes. Yes, I'm sorry, yaar. I know, meri galti. Main bas simple hai. Abhi nahi yaar. Mere kya sun to yaar. Mere ek baar sun to le. Kya sunu bhai? Mera love hai yaar. Bhai nahi yaar. Bhai hai tu yaar. Sun to. Bhai bol raha tu bhai. Dost ban pehle tu. Aukaat hai teri bhai banne ki. Bhai kehta hai apne aap ko. Pata hai tujhe. एक महीने से आ रहा हूँ, मेरे को सेम जवाब मिलते हैं कि यश है नहीं। इसका कोई रीजन? रीजन ये है कि वो नहीं होता है, मतलब एक महीने से कंटिन्यूस वो घर पे नहीं है। मतलब कहीं टूर वूर पे गया अपने दोस्तों के साथ, कहीं पे गया घूमने, तो मेरे को बता दो अगर एक महीने से मैं सेम आऊंगा तो इट्स लाइक वियर्ड, मतलब थोड़ा वेट ही लगेगा। तो मैं यार पहले तो यू शुड नो कि व्हाट इज बीइंग वियर्ड क्या है। तो मुझे पता है वियर्ड क्या है, मेरे गर्लफ्रेंड वाले इश्यूज हैं, आपको भी पता होगा शायद से। आई नो क्या इश्यूज हैं। तो तुम यार फिर खुद सॉल्व करो, मुझसे क्या बात करो इस बात पे। तो मतलब मेरे को ये बात नहीं समझ में आती कि भाई तुम्हारे जो ये गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम है या जो भी तुम्हारा कुछ है, तुम इसको एज अ कॉम्पिटिशन क्यों लेते हो? इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन कि आज मेरी हो गई कल तेरी हो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें समझना पड़ेगा, दोनों में फ्रेंड आता है बट दोनों थोड़ा सा अलग अलग है। अब तू एक महीने से उससे मिला नहीं तो देख तो कितना परेशान हो गया। और वैसे एक बात बोलो, तू एक महीने यहाँ हो या आई डोंट नीड केयर, मैं अपनी तरफ से तो आई कैन अलाउ यू टू मीट हिम बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू मीट यू। बाकी तो तुझे खुद ही पता है। और वैसे भी मैं उसको ना हमेशा देखता हूँ कि वो एक इज अ जीनियस के लिए हिमसेल्फ, बट वो आजकल ना उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा बदला हुआ है, इतना ज़्यादा वो चेंज हो गया है, वो थोड़ा सा उदास भी रहता है आजकल। मैंने उसे बहुत बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। जब तक हम उससे मिलेगा नहीं तब तक कैसे, मेरे को उसकी फिक्र है। मैं जब भी एक महीने से फिक्र तो छोड़ दे प्लीज़, फिक्र तो प्लीज़, इट्स नॉट अबाउट फिक्र भी करो। तुझे खुद ही सोचना चाहिए कि तूने एक पिछले कितने दिन से नहीं मिला, तो एक महीने से ना, तो इस उस एक महीने में तूने अपनी गर्लफ्रेंड को कितना कॉल किया, तूने उसको कितना कॉल किया, या फिर तूने उसको कितना सोचा कि उससे बात कर। मैं ये नहीं कह रहा कि गर्लफ्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है या फ्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दोनों की अपनी प्लेस है, रिस्पेक्ट है, एक मर्यादा शुड बी देयर, बट मुझे तो वो बिल्कुल ही एब्सेंट है। और वैसे भी मैंने तो बचपन से ये देखा है कि तू पता नहीं क्या करता है कि हाँ ठीक है ठीक है तू हर चीज़ में अच्छा है, इसका मतलब छोटी कुछ तो भी छीन लेगा क्या ठीक है। हाँ तेरे पास नहीं अच्छा लग रहा तो चल, मुझे नहीं आया तो छीना नहीं है, चल ठीक है वो जब भी आएगा आई विल लेट हिम नो। वैसे मैं तो आएगा आई लव यू मीडियम एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन वीडियो, पता है वैसे लाइफ में मैं कभी कैसे काम करने नहीं चाहिए जो कि मतलब बाद में जाके आपको ऐसा फील कर रहा हूँ मैंने क्या कर। I'm not good यार रोहन। और ना तो मैच होगा। मैं तुझे तो पता है यार यशो मेरा। जब से ये सी बता रहा हूँ कुछ
तुमसे ज्यादा गुस्सा हूँ। तुम भी क्या गुस्सा होगी? हाँ गुस्से में लिए हुए डिसीजन हमेशा बाद में हम करते हैं, तो आराम से बैठ के। और खुशी में लिए हुए डिसीजन तो जैसे बहुत सही है। हाँ तुम्हारे साथ खुशी में आया था, बहुत अच्छा चल रहा था, लाइफ बहुत अच्छी है। हाँ बहुत मस्त चल रहा है सब कुछ। तुम जैसे लड़कियों के साथ तो आना ही नहीं चाहिए। तुम जैसी से तुम कहना क्या चाहते हो? तुम जैसी से कहना चाहते हो तुम जैसी बकवास लड़कियों के साथ। एक्सक्यूज मी जस्ट शट अप। ओके क्यों शट अप? हां क्यों शट अप? हां देखो तुम किस बहुत ज्यादा किस चीज के लिए शट अप? शट अप। और अब इसे तुम याद रखना। खेल के सीन है ये ना हो तो क्या फिर? बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राजदार। जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी वो तेरी खुशी में। अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर? बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राजदार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राजदार।